एक साउथ फिल्म कर रही थी, और आप सोचिए कि मैं एक समय पर ऐसा समय था जो मेरी 10-15 एड्स ऑन एयर, यू नो आई एम वेरी नोन, वेरी वेल रिस्पेक्टेड फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, कोई डर्थ नहीं है, यू नो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और मुझे इस तरह मजबूर कर दिया गया एक साल तक. आई साइंड अ वेरी बिग साउथ फिल्म, वेरी बिग, उसके तो मेकअप आर्टिस्ट भी हॉलीवुड से आ रहे थे विद अ वेरी बिग हीरो, और कुछ बिल्कुल क्लीन लगा मुझे तो, कोई कुछ यू नो फिशी एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं. कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, 4 महीने कुछ काम नहीं करने दिया, क्योंकि आप इतनी बड़ी फिल्म से लॉन्च होंगी तो आप इंतज़ार करिए, क्योंकि हम नहीं चाहते आप छोटे मोटे ये विज्ञापन करें, एड्स करें, ये सब करें, आप हमारी फिल्म से लॉन्च होंगी, यू विल बी अ बिग फेस आफ्टर दैट. सो आई वॉज लाइक ओके हाउ विल आई सर्वाइव, बट इट्स ओके आई मैनेज. 4 महीने निकल गए, शूट स्टार्ट हुई, 15 दिन शूट किया, 2 वीक शूट किया, वो शूट मेरे लिए इट्स वॉट इज द मोस्ट नाइटमेरिश एक्सपीरियंस आई हैव हैड, क्योंकि बिना बात पर मुझे इमोशनली टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, मेरा हाथ कटा, उसमें खून था मेरे कपड़ों पर, मुझे बोल रहे हैं कि शूट करिए, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे थे वो डायरेक्टर, जो वहाँ पर लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था, लोग सेट पर रोने लग गए कि आप क्यों क्यों कर रहे हो इस लड़की के साथ ऐसा. मेरे पैर में मोच आ गई, मुझे रिहर्सल कराते रहे, 5-5 दिन मुझे सोने नहीं दिया जाता था, फिल्म सिटी में शूट था, मुझे मेकअप आर्टिस्ट और सेट बॉय और लाइट बॉय से पहले मुझे सेट पे बुलाया जाता था. मैं 1-2 बजे पैकअप करके वापस पहुंची हूँ होटल, और मुझे 3-4 बजे निकलना है 2 घंटे में 3 घंटे में, और मैं वहां जाकर कार में वेट कर रही हूँ बिकॉज रूम का दरवाजा भी खोलने, मतलब वहां पर झाड़ू लगाने वाले से भी पहले मुझे बुलाया गया है. तो ये क्यों कर रहे थे मेरे साथ, और प्रोड्यूसर को वहां सेट पर आने से मना कर दिया ये कहकर दैट दिस गर्ल इज डिफिकल्ट टू मैनेज. तो ये कहीं मैं अपनी आपबीती बताना दूं, कहीं उन्हें पता ना चल जाए. तो ऐसे ऐसे किया, और मैं प्रोड्यूसर से लड़ाई कर रही थी. क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें आपने साइन किया है कि आप कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है, आप शूट कर रहे हैं तो आप लायबिलिटी बेयर करेंगे. करोड़ मैं पे कर सकती हूँ क्या, कितनी भी वेल ऑफ हूँ मैं, एक पूरे वो इतनी बड़े बजट फिल्म का डैमेजेस मैं पे कर सकती हूँ कि अब आप मुझे रिप्लेस कर दो, मैं नहीं कर सकती. तो ये, और मैं क्या करूँ, मैं डील कर रही हूँ. इतना हो गया कि एक दिन हीरो ने माइक लेकर डायरेक्टर को गालियाँ सुना दी कि आपका दिमाग खराब हो गया, आई विल वॉक आउट ऑफ द फिल्म नाउ. मेरे कपड़ों पर खून था, और वो उसे बोल रहे हैं तेलुगु में कि तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है. ही वॉज कॉलिंग फॉर फर्स्ट एड, ही हेल्ड माई हैंड एंड ही वॉज कॉलिंग फॉर फर्स्ट एड, आई एम वेयरिंग अ वाइट सलवार कमीज एंड द डायरेक्टर सेज तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हारे क्यों पेट में दर्द हो रहा है, उसका खून निकल रहा है, तो तुम शूट करो, शॉट होगा अभी. देन ही येल्ड एंड अब्यूज्ड एंड ही सेड आई एम वॉकिंग आउट ऑफ द फिल्म राइट नाउ, इनफ इज इनफ, और तुम कौन हो मैं देख लूंगा. फिर फर्स्ट एड आया, फिर वो शूट हॉल्ट हुई, और मैं इतना ट्रॉमेटाइज हो गई, इतना बुरा ट्रीटमेंट मेरी जिंदगी में किस, मतलब आई हैवंट सीन डॉग्स बीन ट्रीटेड द वे आई वाज ट्रीटेड, मतलब मैं जानवर के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं देखा जैसा मेरे साथ किया जा रहा था. और क्यों, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि क्यों, अगर मैं ना पसंद हूँ छोड़ दो, मुझे निकाल दो, रिप्लेस करो. कितनी बार मैंने उन्हें कहा आप रिप्लेस कर लो, मैं निकल नहीं सकती, आप मुझे निकालना नहीं चाहते, आप मेरे साथ काम करें, मुझे इस ड्रामा में आप क्यों रख रहे हैं. तब जाकर और प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि नो यू आर लाइक माई डॉटर, मैं चाहता हूँ आप इस फिल्म का हिस्सा रहें, वाई शुड आई टेक, वो अपनी कोई गर्लफ्रेंड को कास्ट करना चाहता होगा, मैं क्यों लूँ उसे, आई वॉन्ट टू लॉन्च यू. सर लॉन्च वॉन्च गया भाड़ में, माई सैनिटी इज इम्पॉर्टेंट टू मी, आई वॉन्ट टू लिव विद डिग्निटी, मैं मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, आई एम नॉट स्टार स्ट्रक, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कौन फिल्म क्या बिग स्टार इन दिस इन दैट, आई डोंट केयर अबाउट दोज थिंग्स, आई गो वेयर वेयर आई गेट रिस्पेक्ट, वेयर आई गेट मनी, वेयर आई गेट क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन ओनली. सो एनी वे बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, फाइनली उन्होंने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिप्लेस किया, बट मेरे दिमाग में ये मिस्टीरियस था कि हो सकता है मैं पसंद नहीं आई हूँ इसलिए वो ऐसा कर रही हूँ, या वो सनकी होंगे. 6 मंथ्स बाद मुझे जब उनके मैसेजेस आए दैट श्रुति यू हैव नो आइडिया वॉट यू लुक लाइक ऑन स्क्रीन, यू वुड हैव बीन द नेक्स्ट ऐश्वर्या राय, आई सेड ओके एंड आई थॉट यू डिड नॉट लाइक what I looked like on screen and you were unhappy, you called me unprofessional, and he said
नो नो इट्स जस्ट दैट यू डोंट रियलाइज डार्लिंग दैट यू हैव टू बी फ्रेंडली विद द डायरेक्टर्स बट इट्स ओके आई कैन स्टिल मेक योर करियर. मेरे बहुत फ्रेंड्स आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी लेकिन अब भी मेरे बहुत जानकार फिल्म्स बना रहे हैं और आई कैन मेक योर करियर एंड योर लाइफ एंड एंड शो टू द वर्ल्ड वॉट यू आर ऑल अबाउट इफ यू लेट मी मेक इट अप टू यू. And I said, okay, how? And he sends me a rose and a kiss. And he says, you just need to let me take you out for dinner when you come to Hyderabad next time. So, tab mujhe samajh aaya 6 months ke baad ki ek passive casting couch naam ki bhi cheez hai jo mere saath hui, jisme muh par kuch nahi kehte. आप क्या समझ रहे हो आप बहुत बड़े स्टार हो आपने सब किया हुआ है आपको बहुत एटीट्यूड है आप अच्छी फैमिली से हो आप फाइनेंशियली वल्नरेबल नहीं हो तो क्या हुआ कर देंगे एक साल लगता है एक साल आप बिना पैसे के सरवाइव कर लोगे बॉम्बे में. एक साल तो निकल गया मेरा 3-4 months शूट से पहले एक 14 days वो शूट किया फिर मुझे जो रिहैबिलिटेशन इतने टाइम में ट्रॉमा में थी क्योंकि मुझे ये अब मीटिंग्स का कॉल आ रहा है ये आ रहा है वी एज एन एक्टर यू हैव टू बी इन अ स्पॉन्टेनियस मोड दैट आई एम हैप्पी आई एम चर्पी एंड यू नो आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड यू हैव टू बी इन दैट जोन. और अगर आप नहीं हो मैं तो हर किसी को ऐसे देख रही हूँ लाइफ में कि ये भी साइको है ये भी साइको है ये डायरेक्टर क्या चाहता होगा वो क्या स्वीट है कोई मुँह पर क्योंकि ये लोग तो स्वीट ही थे ये तो बाद में मेरा समय बर्बाद करने के बाद मेरी इतना एग्जॉस्ट कर दिया मुझे ना मुझे पे किया कुछ नहीं ड्रेन कर दिया. तो और उन्होंने ये कहा था कि ये गलती अभी मत करो कुछ काम नहीं मिलेगा हाथ भी नहीं लगाने देंगे किसी को बिकॉज वो तो आपके बारे में आप कौन हो आप वो तो आपके बारे में कुछ भी कह देंगे लोगों को. तो मैंने बोला रोज के 10 offers आते हैं मुझे ऐसा नहीं कर पाओगे आप कर लो जो करना है. मैं गलत थी रोज के 10 offers नहीं आए साउथ से आ रहे थे बहुत उसके बाद नहीं आए क्योंकि वो ये करते हैं आप एग्जिट कर लो बिट आपको नहीं किसी को काम नहीं देने देंगे वो नेक्सस है उनका. एंड कोई बात नहीं मैं तुम मतलब आई विल बी अ वेरी हैप्पी बेगर ऑल्सो ऑन द स्ट्रीट. आज भी मेरा वही एटीट्यूड है इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने तो प्रोफेशन ही छोड़ दिया मैं स्किन केयर ब्रांड है ये नहीं चला मैं तो यू नो भिखारी रहकर भी खुश रहूंगी मैं तो हाफ सन्यासी हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन किसी और को नहीं पड़े ये मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है. उस दिन मुझे समझ आया कि हाँ यू नो एक साल जिसके ऊपर मेरे ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज नहीं थी फैमिली घर पर पैसे मुझे नहीं भेजने थे घर से सपोर्ट ही था कोई बात नहीं काम नहीं किया डिप्रेशन है ये है वो है कोई बात नहीं सपोर्ट मिल गया. लेकिन जिसके पास वो ऑप्शन ना हो जिसके पास जैसे मैं आई वॉज ब्लेस्ड आई हैड ब्रिलियंट फ्रेंड्स फैमिली एवरीथिंग वो सब जिसके पास ना हो जिसको घर पर पैसे उल्टा भेजने हो जिसके ऊपर लायबिलिटी हो वो उस पोजिशन में आके क्या करेगा बिकॉज दे आर दैट मच अवे फ्रॉम बिकमिंग अ बिग स्टार एंड नेवर हैविंग टू फेस दिस. आई डोंट ब्लेम देम आई डोंट जज एनीवन हु हैज डन एनीथिंग I have seen what they did to me. और उसके बाद मुझे इतना समय लगा निकलने में कि अब भी मैं इसकी बात कर रही हूँ तो मैं और तब मैंने नहीं बोला ना इसके बारे में एफ आई आर क्योंकि मुझे कहा कि अगर यू नो अगर ऐसे तो आपको साउथ में काम नहीं मिलेगा वो तो नहीं मिलेगा बिकॉज यू मेड इट बेटर और वो डायरेक्टर कर देगा अपने नेक्सस यूज कर. लेकिन अगर आपने बोल दिया तो फिर तो आपको कहीं काम नहीं मिलेगा फिर तो आपको बॉलीवुड कहीं भी बिकॉज वो आपका इंप्रेशन बन जाएगा दैट दिस गर्ल अक्यूज्ड. तो मैं तो उस समय तो चुप रही ही मैं तो मी टू के टाइम भी नहीं बोली क्योंकि मी टू के टाइम मैं बोल सकती थी इनके बारे में लेकिन इसलिए नहीं बोला बिकॉज बहुत सारे गलत लोग भी उसमें फंस रहे थे बहुत सारे लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया यू नो उनको भी उसमें टैग किया गया तो यू नो इसलिए मैं तब भी चुप रही. फिर कुछ और एक्सपीरियंस किया बॉम्बे पुलिस की रियलिटी में तब भी चुप रही. तो मैं तो पूरे करियर में जब मैं उस इंडस्ट्री में थी मैं अपने इस तरह की इंसान थी कि मेरी फिल्म की प्रमोशंस है टॉस फीचर फिल्म मेरी आई थी 2009 एंड में रण विजय के साथ उसकी प्रमोशंस में मैं इतनी नर्वस हो जाती थी इंटरव्यूज देने से फोन ऑफ कर देती थी वुड जस्ट डिसअपियर बिकॉज लाइक मुझसे नहीं होगा यू नो आई वाज दैट इंट्रोवर्ट मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पब्लिक नहीं था विच इज़ वाई आई हैव सफर्ड ऑल्सो इन माई करियर. बट माई पॉइंट इज दैट अब जो लोग मुझे अक्यूज़ कर रहे हैं कि यू नो पब्लिसिटी अब मैं क्या अचार डालूँ पब्लिसिटी का
जब ये मेरा करियर नहीं है, जब मुझे चाहिए थी तब मिली नहीं, अब मैं बोल रही हूँ तो अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, अब मैं जिनको डिफेंड, मैं लोगों के लिए बोल रही हूँ। और जब तक सुशांत को नहीं मारा था मैं ऐसे थी, बहुत कुछ मैंने देखा है, हाई कोर्ट में जाकर केस भी लड़ा है, बॉम्बे पुलिस को भी हराया है, उन्होंने भी बहुत नॉनसेंस करी है मेरे साथ, कुछ नहीं बोला मैंने। कब बोला, कब सुना है आपने? पोस्ट लिख दिए होंगे हियर एंड देयर, बट मैंने कहाँ बोला है। लेकिन जब सुशांत को मार दिया उस दिन के बाद, 14 जून के बाद, मैं एक दिन भी चुप नहीं रही, ना रहूंगी मरते दम तक। मुझे जो लोग साइलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन्हें एक ही रास्ता बताती हूँ, ट्रोल से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी कर लो, मेरा ये करियर भी ले लो, कुछ भी कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे चुप करना है तो मुझे भी मरवा दो।